मैं डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी, डायरेक्टर ऑफ नाडकर्णी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स किलापाड़ी वापी बलसाड़ और सूरत की हूँ। हमारे 6 हॉस्पिटल्स हैं और 4 टेस्ट टू बेबी सेंटर्स हैं और हमारा नाम ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बच्चा नहीं उन्हीं से होता है। टेस्ट टू बेबीज़ के कारण हमने 18,000 से ज़्यादा टेस्ट टू बेबीज़ अभी लास्ट 25 ईयर्स में दिए। यह हमारा सिल्वर जुबली ईयर चालू है। और दूसरा हमारा नाम कैंसर से होता है। हमारा दूसरा लड़का जो डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी है वो कैंसर सर्जन है। सो कैंसर और इससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है IVF से। IVF किसको चाहिए? शादी के बाद में 1 साल के अंदर बच्चा नहीं हो गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर चेक करते हैं, सब सही है, सोनोग्राफी करते हैं, थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पति का स्पर्म नॉर्मल है कि नहीं देखते हैं। और सब नॉर्मल होने के बाद नेचुरल कंसेप्शन के लिए हम नेचुरल ओवुलेशन के वक्त इंटरकोर्स करने को सिखाते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं, IUI की ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बावजूद 1 साल में और 1 साल चला गया बच्चा नहीं होगा तो हमको सीरियसली थिंक करना पड़ता है। सो IVF इटले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका मतलब है स्त्री के अंदर से अंडकोश में से हम बीज बाहर लेते हैं, पुरुष का स्पर्म्स बाहर लेते हैं, स्त्री बीज और पुरुष का बीज का मिलन बाहर करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये जो भ्रूण तैयार होता है वो अंदर रखते हैं और फिर दवा देते हैं ताकि बच्चा चिपक जाए। सो ये किसको ज़रूरत है? IVF किसको ज़रूरत है? फर्स्ट टाइम ट्यूब बंद हो तो जिस स्त्री के, क्योंकि नेचुरली जब होता है यूट्रस के अंदर स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन ट्यूब में हो जाता है, और ट्यूब ही बंद है तो फिर उसको IVF लगता है। सो एनी वुमन हु हैज़ गॉट अ ट्यूबल ब्लॉक शी रिक्वायर्स IVF। सेकेंड है जिसके ओवुलेशन नहीं होते, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट है, दवा देते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति जरूर पड़ती है। तीसरा है एंडोमेट्रोसिस की बीमारी। अब एंडोमेट्रोसिस मतलब यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है जाके ट्यूब में से अंडे में घर करता है और उसको औरत को हर महीने में सख्त दर्द होता है। ऐसे लड़कियों को IVF के जरिए बच्चा दिया जाता है क्योंकि बच्चा ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है। फोर्थ काज है मेल फैक्टर। मेल फैक्टर मतलब पति का स्पर्म, यूजुअली 15 मिलियन स्पर्म काउंट विद 50% मोर्टिलिटी होना ही चाहिए। बहुत कम स्पर्म होता है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसे लोगों को फिर IVF के जरिए बच्चा होता है। पेट के अंदर से नहीं होता है, बाहर से बच्चा पैदा करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन सब सही है, स्त्री में सब सही है, पुरुष में सब सही है, लेकिन शादी के 4-5 साल हो गए बच्चा होता ही नहीं है, ऐसे लोगों को IVF के जरिए बच्चा होता है। सो दीज आर द 5 इंडिकेशंस ऑफ IVF। IVF में यूजुअली हम 10 दिन तक हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं। यूट्रस के दोनों साइड में जो अंडकोश है उसमें फॉलिकल्स तैयार होते हैं, 10 दिन के बाद ट्रिगर देते हैं और फिर सुई डाल के यूनिमार्क से सभी अंडे बाहर देते हैं। बाहर अंडे लेने के बाद स्पर्म्स उसमें मिक्स करके इंक्यूबेटर में रखते हैं। 24 आवर्स 48 आवर्स में फर्टिलाइजेशन होता है, भ्रूण तैयार होता है, फिर ये भ्रूण शांति से अंदर रख देते हैं और 15 दिन टिकने की दवा देते हैं। बहुत सिंपल है। 10 में से 7 को हम प्रेगनेंसी ले चुके आज तक लास्ट 25 ईयर्स में हमने 18,000 जितने बच्चे दिए हैं और IVF उसी पति का उसी पत्नी को बच्चा होता है। थैंक यू वेरी मच।